इंश्योरेंस है, इसलिए कि ये जो सारण में जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में ये लोग थे, क्योंकि ये बहुत हाई रिस्क कॉन्टैक्ट थे, तो इसीलिए इनको लाके क्वारंटाइन में रखा गया और सैम्पलिंग किया गया, और ये सैम्पलिंग के दौरान ही ये हाई रिस्क वाले में से दो पॉजिटिव निकले हैं, जो कि उनके संबंधी ही। कल 45 रिपोर्ट आ चुका है और वहाँ का करीब करीब सारा आ चुका है, लेकिन अब फिर नए सिरे से एक बार फिर हम लोग ट्रेसिंग करेंगे कि ये जो पॉजिटिव आया इनका किससे संबंध था। बीजीएस में डॉक्टरों का भी था सर? बीजीएस के डॉक्टरों में कुछ का आया है जो कि निगेटिव है, लेकिन ज्यादातर का बाकी है जो कि आज आने की संभावना है। इसको फेल नहीं करना कहेंगे, इसको तो बोलेंगे कि मेरा सही डायरेक्शन में चल रहा है इन्वेस्टिगेशन, जो कि उसी केस से रिलेटेड जो कॉन्टैक्ट केस है उनका रिपोर्ट आ रहा है, तो ये तो अच्छी बात है कि हम लोग खोज पा रहे हैं कि कहाँ से कहाँ वो इन्फेक्शन आया, कहाँ किधर गया। कुल 49 केसेस जो है जिसकी सैम्पलिंग करके हम लोगों ने भेजी थी पहले, उसकी जांच रिपोर्ट आ गई है, जिसमें कि कल देर रात और आज जो है रिपोर्ट्स प्राप्त हुई हैं। इन दोनों 49 केसेस में दो पॉजिटिव केसेस मिले हैं बोकारो के भीतर, बाकी 47 केसेस जो है निगेटिव आए हैं, और 49 केसेस में जो दो पॉजिटिव मिले हैं वो पुरानी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री का ही एक डेवलपमेंट है, और इसमें जो बीजीएच से संबंधित जो भी सैंपल्स उन्होंने पहले फेज में भेजे हैं वो भी निगेटिव आए हैं। अभी बीजीएस से भी रिलेटेड और सैंपल्स गए हुए हैं, लेकिन पहली फेज के सैंपल्स भी निगेटिव प्राप्त हुए हैं।